नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ अपनी आवाज में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी कहानी। यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। शादी को अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि मेरे जिस्म में एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया था। ये अजीबोगरीब दर्द शाम होते ही शुरू हो गया और फिर एकदम बढ़ने लग जाता, और सुबह होती तब तक ये दर्द खत्म हो जाता। सारा दिन मुझे दर्द नहीं होता। मैं बहुत हैरान होती थी कि आखिर ये कैसा दर्द है जो सिर्फ रात को होता है, और दिन में यूं महसूस होता था जैसे दर्द हुआ ही ना हो। पहले तो मैं चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर लेती, मगर वक्त के साथ साथ दर्द भी बढ़ता जा रहा था। मेरा नाम रेशमा है, मेरे पति एक डॉक्टर थे, लेकिन मैंने कभी भी ये बात अपने परिवार को नहीं बताया था, क्योंकि मैं जिस खानदान से आई थी वहां डॉक्टर्स को बहुत बुरा समझा जाता था। मेरी अम्मी का कहना था कि ये डॉक्टर इंसानों को दवाइयों के नाम पर अनेकों प्रकार के केमिकल पिलाते हैं जिससे उनका जिस्म बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। हम लोग जाली हकीमों पर भरोसा नहीं करते थे और हर बीमारी के इलाज के लिए उनसे उम्मीद भी नहीं करते। हम जादू टोना ताबीजों से इलाज करवाया करते थे, इसलिए मैं अपनी पति को अपना मसला नहीं बताती थी। मेरी मम्मी तो मेरी शादी किसी डॉक्टर से करने के लिए तैयार भी नहीं थी, मगर क्योंकि वो बहुत अमीर था इसलिए मम्मी ने हाँ कर दी। शादी के बाद सब अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एक ही रात को मैं तकलीफ में हो गई। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। सारा दिन मुझे इस दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक होती। शाम होते ही इतनी तकलीफ बढ़ जाया करती कि उठना भी मुश्किल हो जाता। मेरा पति बहुत ही अच्छा इंसान था, वो मेरा बहुत ख्याल रखा करता और छुप छुप कर मुझ पर नजर भी रखता। कभी कभार मैं पूछती कि आप मुझ पर छुप छुप कर नजर क्यों रखे हुए हैं, तो वो कहते कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इसी मोहब्बत का तकाजा है कि मैं तब भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा जब तुम्हारे साथ ना हूं। मैं बहुत खुश नसीब समझती थी खुद को। और फिर एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और एक बहुत ही अजीबोगरीब बात कही, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें रात को जिस्म में बहुत दर्द होता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पति की यह बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने अपनी तबीयत खराब होने के बारे में सिर्फ अपनी मम्मी को बताया था और किसी को कुछ भी नहीं पता था। फिर मेरे पति मुझसे कहने लगे कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम फिर पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं तो परेशान थी, क्योंकि मुझे तो ये यकीन ही नहीं था। मेरे पति ये बात कहकर चले गए थे और मैं सारा दिन इसी बारे में सोचती रही कि न जाने मेरे पति मुझे कौन सी दवाई देंगे। रात हुई तो मेरा पति अपने कमरे से वापस आया और मुझसे आकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए यह इंजेक्शन लाया हूँ, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं पहले तो घबरा गई, मगर मेरे पति ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने उसकी बात मान ली और इंजेक्शन लगवाने के लिए राजी हो गई। मेरे पति ने लेटने को कहा और फिर मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा तो मेरे जिस्म में अजीब सी खलबली सी मचने लगी। मुझे यह लग रहा था जैसे मेरे जिस्म का एक हिस्सा हरकत कर रहा हो। मुझे अजीब सा सुकून महसूस होने लग गया। दर्द तो जैसे अचानक से खत्म हो गया था, और फिर इसी सुकून में मुझे नींद का भी एहसास होने लगा। मुझे नहीं पता चला कि फिर क्या हुआ, क्योंकि मैं तो सो चुकी थी। अगली सुबह के वक्त मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। आज बहुत ही दिनों बाद मैं सारी रात के लिए सोई थी, वरना तबीयत खराबी के बाद सोना भी मुहाल हो गया था। मैंने नमाज पढ़ी और रब का शुक्र अदा किया और कहा कि शुक्र है उस इंजेक्शन की वजह से कोई गलत असर नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ठीक हो गई हूँ। सुबह मेरे पति ने मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने उसे बताया कि अब मैं काफी बेहतर हो गई हूँ। ये बात सुनकर मेरे पति ने मुझे कहा कि वो मुझे अब हर रात एक इंजेक्शन लगाया करेगा
और उसने मुझे सख्ती से कहा कि उसके आने से पहले, इंजेक्शन लगवाने से पहले मैं कभी ना सोऊं। मैंने उसकी बात पर हाँ में सर हिला दिया। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। मेरा पति हर रात मुझे एक इंजेक्शन लगा देता और फिर उस इंजेक्शन की वजह से मेरे जिस्म में होने वाला दर्द खत्म हो जाता। ना सिर्फ दर्द कम होता बल्कि मुझे सुकून भी मिलता और फिर उसी सुकून से मुझे इतनी गहरी नींद आती कि दोबारा सारी रात मेरी आंख नहीं खुलती। सुबह के बाद आंख खुलती और मैं बहुत बेहतर महसूस करती। ऐसे ही दिन गुजरते चले जा रहे थे और एक साल हो गया था मुझे वो दवाई इस्तेमाल करते हुए। कई दिन बीत गए। ये सारी बात मैंने अपनी माँ को ये बात कभी ना बताई कि मैं कोई दवाई इस्तेमाल करती हूँ। एक दिन मेरी मम्मी मुझसे मिलने मेरे घर आ गई। मैं परेशान हो गई थी कि कहीं मेरी मम्मी वो इंजेक्शन ना देख लें, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो मेरी मम्मी गुस्से में आ जाती और मेरे पति से पूछती कि वो मुझे ये दवाई का जहर क्यों देता है। मैं सोच रही थी कि क्या करूं। मेरी मम्मी उसी कमरे में बैठी थी जहां वो इंजेक्शन रखा था। फिर मैंने एक तरकीब सोची। मैंने किसी काम से अम्मी को कमरे से बाहर बुलाया और अम्मी को बाहर छोड़कर खुद कमरे में जाकर वो इंजेक्शन उठा लिया और फिर उसे किसी और जगह पर छुपा दिया। मैं बहुत खुश हुई कि आखिरकार मम्मी को पता नहीं चला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जब भी मम्मी पापा या मेरे मायके में से कोई भी आता तो मैं उसको छुपा देती। मेरा पति इस इंजेक्शन के मामले में काफी संजिता था। अगर कभी उसके आने से पहले मेरी आंख लग जाती तो वो चिल्लाना शुरू कर देता। हालांकि वो मुझसे मोहब्बत करता था और कभी गुस्से में बात नहीं करता था, लेकिन बात जब इंजेक्शन की होती तो वो गुस्से में आ जाता। मैं बहुत हैरान होती कि वो ऐसा क्यों करता है। फिर एक दिन उसने मुझे उसकी वजह बता दी, जिसे सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैंने हैरत से खुद से पूछा, कोई किसी को इतना भी चाह सकता है? मेरे पति ने मुझे बताया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और इसलिए वो हर रात उसे इंजेक्शन लगाने के लिए इतना उतावला होता है। उस दिन के बाद मेरे पति के लिए मेरी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई थी। एक दिन मेरे फूफा मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैंने इंजेक्शन को फ्रिज में छुपा दिया ताकि फूफा उसे देख न सके। फूफा सारा दिन मेरे घर पर रहे और शाम के वक्त वो चले गए। उनके जाने के बाद मैंने फिर से वो इंजेक्शन निकाला और उसे वापस उसकी जगह पर रखने लगी, लेकिन ज्यों ही मैंने उसे वहां रखा वो मेरे हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। थोड़ा सा इंजेक्शन जमीन पर गिर गया। मैंने उसे टूटने से बचा लिया था। मैं बहुत डर गई थी। खैर, मैंने उसे वापस उसकी जगह पर रखा और फिर अपने पति का इंतजार करने लगी। रात को मेरा पति आया तो इंजेक्शन की बोतल में कम इंजेक्शन देखकर वो बहुत गुस्से में आ गए और कहने लगे कि ये क्या कर दिया है तुमने, बाकी का इंजेक्शन कहाँ है। मैं डर गई और पति को बता दिया। वो चीखने लगा और कहने लगा कि ये बोतल कितनी महंगी मिलती है, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में ये बोतल मंगाता हूँ और तुम्हें इंजेक्शन लगाता हूँ। मुझे डांटने के बाद मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाया और फिर मैं सो गई। अगली सुबह मैं उठी तो बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि मेरे पति ने मुझे एक इंजेक्शन के लिए इतना क्यों डांटा। लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि वो मुझे बहुत चाहता भी है। वक्त गुजरता गया और फिर रोजे आ गए। ईद से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना घर की मुकम्मल सफाई कर लूं, और इसलिए एक दिन जब मेरा पति काम पर चला गया था मैंने सोचा कि क्यों ना घर की मुकम्मल सफाई कर लूं, और इसलिए एक दिन जब मेरा पति काम पर चला गया था मैंने घर की सारी सफाई का सोच लिया। मेरे पति ने मुझे घर के ज्यादा काम करने से मना कर रखा था, ना तो मैं रमजान में सफाई कर सकी और ना ही छोटी ईद पर। मैंने सारे घर की सफाई की, एक कमरे का सामान दूसरे में डाला और फिर उसे साफ करके वापस उसी में रख दिया। अब आखिरी कमरा बचा था जिसमें इंजेक्शन पड़ा था। मैंने कमरे का सामान उठाकर दूसरे कमरे में रखा, लेकिन फिर एक ऐसा वाक्या हुआ जिस पर मैं कपकपा कर रह गई। जैसे ही मैंने उस इंजेक्शन की बोतल को पकड़ा और रखने लगी थी वो मेरे हाथ से फिसल गई और जमीन पर गिर गया। मेरी जान निकल गई थी क्योंकि मेरे पति ने पिछली बार मुझे बहुत डांटा था। इंजेक्शन की बोतल जमीन पर गिरी और टूटी नहीं,
बल्कि बहुत सारा इंजेक्शन बर्बाद हो गया था। अब बोतल में सिर्फ थोड़ा सा इंजेक्शन बचा था। मेरे जिस्म से जैसे रूह निकल गई थी। जब मेरे पति को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सोच सोच कर मैं परेशान हुए जा रही थी। काफ़ी देर मैं सोचती रही कि क्या करूँ, क्योंकि वापस आके मेरा पति तो मुझ पर ही गुस्सा करेगा। फिर मैंने एक उपाय सोच लिया। मैंने उसे इंजेक्शन की बोतल में पानी भर दिया और उसे उतना ही भर दिया जितनी वो पहले थी। अब मुझे सुकून था, मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे पति को पता नहीं चलेगा कि मैंने इंजेक्शन की बोतल में सारा इंजेक्शन जाया किया है। रात को मेरा पति आया। मैं थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि मेरे पति को इस बात का इल्म ना हो जाए कि ये इंजेक्शन नहीं पानी है। मेरे पति ने इंजेक्शन पकड़ा और मुझे टीका लगा दिया। मैं खुश थी कि मेरे पति को इस चीज़ का इल्म नहीं हुआ और उसे नहीं पता चला कि इस इंजेक्शन में दवा नहीं है बल्कि पानी है। इंजेक्शन लगने के बाद मैं इंतज़ार करती रही कि मुझे अब नींद आएगी, अब आएगी, मगर मुझे तो आज नींद ही नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी हैरान थी। मुझे जिस्म में दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। रोज़ इंजेक्शन के बाद मैं सो जाया करती थी, मगर आज मैं जाग रही थी, लेकिन आँखें बंद किए हुए लेटी थी। शायद अब नींद आ जाए। आधी रात के वक्त मेरा पति बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर चला गया। मैं काफ़ी हैरान हुई कि मेरा पति कहाँ गया। मैंने सोचा कि शायद वॉशरूम गया हो। मैं उसके आने का इंतज़ार करने लगी। जब ज़्यादा देर तक वो ना आया तो मैं परेशानी में उठी और फिर उसके पीछे कमरे से बाहर निकल गई। मैं बाहर गई तो घर में कोई नहीं था। यह देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने पति को बहुत आवाज़ दी, मगर उसने किसी की भी आवाज़ का जवाब नहीं दिया। मैं सोचते हुए परेशानी में वापस आ गई। सुबह 5 बजे के बाद मेरा पति घर वापस आया और मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। मैं आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटी थी ताकि मेरे पति को लगे कि मैं सो रही हूँ। मैं सारा दिन बहुत परेशान रही। मेरी एक सहेली का घर मेरे घर के पास था। मैं उसके घर गई और सारी बात उसे बताई। मेरी सहेली ने मेरी बात सुनी और कहने लगी, ये बात तो सच है कि तुम्हें रात को नींद उसी इंजेक्शन की वजह से आती थी और आज नहीं लगाया तो नींद नहीं आई और तुम्हारे दर्द भी खत्म हो गई है। लेकिन तुम्हारा पति रात को कहीं गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये तुम्हारा पति जानबूझकर करता हो। मैंने अपनी सहेली को बहुत डांटा और उससे लड़कर घर आ गई। रात को फिर मेरे पति ने मुझे इंजेक्शन लगाकर सुलाया, मगर मैं सोई नहीं थी। आज रात को वो फिर बिस्तर से उठा और कहीं चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे उठी ताकि देख सकूं कि वो कहाँ जाता है। मेरा पति कमरे से बाहर निकला और फिर घर की छत से स्टोर रूम यानी गोदाम में चला गया। मैं छुप छुप कर उसके पीछे जा रही थी। इतने धीरे से कदम उठा रही थी कि किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि मैं पीछा कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरा पति को इतनी रात को गोदाम में क्या काम है। उसने गोदाम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ी उसके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो नहीं आया था। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर जब ज़्यादा देर गुजर गई तो मैंने गोदाम का दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोला और स्टोर रूम के अंदर चली गई। अंदर तो पुराना कबाड़ का सामान पड़ा था। मैं हैरान थी कि मेरा पति कहाँ चला गया। यहाँ तो कोई खिड़की भी नहीं थी। इसी कसमकस में मैं खोई हुई थी, किसी चीज़ से टकराई और मेरे पैरों से एक चादर ज़मीन पर से हट गई। चादर हटी तो मैंने ज़मीन पर जो चीज़ देखी वो देखकर मैं घबरा कर रह गई। वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा था। मैंने कांपते हुए दरवाज़ा खोला तो नीचे तहखाने तक जाने की सीढ़ियाँ जा रही थी। मैं हैरान रह गई थी कि ये सब क्या है। फिर कुछ सोचकर मैं सीढ़ियों में उतरने लगी। जब सीढ़ियाँ उतरकर मैं नीचे गई तो नीचे का मंजर देखकर मेरा दिल दहल गया था। मैंने नीचे अपने पति को देखा और कुछ और भी थे वहाँ। यह सब देखकर मैं बहुत हैरान हुई और जल्दी से छुप गई। सामने एक बड़ा कमरा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे घर के नीचे एक कमरा होगा। मेरा पति सिगरेट पी रहा था और साथ में वो दूसरे आदमी भी बाकी। दोनों आदमियों ने चेहरे पर नकाब चढ़ाए हुए थे। मैंने आज अपने पति को पहली बार सिगरेट पीते हुए देखा था। मेरा पति उनसे कुछ बातें कर रहा था। मैंने उनकी बातें सुनना चाही थी, लेकिन
जिस जगह में खड़ी थी वहां उनकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी। फिर मैंने उनको देखा, वो सब खड़े हो गए थे और उस कमरे के पीछे चले गए थे। ये देखकर मैं बहुत हैरान हो गई थी कि इस कमरे के पीछे भी एक कमरा था। मैं आगे बढ़ गई और एक दरवाजे के पीछे छुप गई थी और दरवाजे के सुराख के बीच से अंदर का नजारा देखने लगी। अंदर बहुत सा सोना और जेवरात और पैसे पड़े थे। यह देखकर मैं हैरानी में पड़ गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर मैंने वहाँ एक और मंजर देखा। मैंने वहाँ एक इंसान को देखा जिसे कुर्सी पर रस्सियों से बांधकर रखा गया था। यह देखकर घबरा गई। फिर मेरा पति और वो आदमी उसके कमरे से बाहर निकल आए। मैं डर के पीछे की तरफ भागना चाहती थी मगर ना भाग सकी, इसलिए वहीं छुपी रही। वो सब कमरे से बाहर निकले और फिर दूसरे कमरे से बाहर निकलते हुए सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर चले गए। मैं भी वापस जाना चाहती थी मगर बहुत दुख हो रहा था मुझे कि अंदर कमरे में जिसको बांध कर रखा है वो कौन है। मैं अंदर कमरे में गई तो वहां सच में कोई था जिसे कुर्सी पर रस्सियों से जकड़ा गया था। उसके चेहरे पर काला रंग का कपड़ा था। मैं करीब गई तो वो इंसान मेरे पैरों की आहट सुनकर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि मुझे मत मारो। उसकी आवाज औरत की थी। मैंने जल्दी से उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो एक औरत थी। उसे देखकर मैं घबरा गई और वापस भागने लगी थी मगर उस औरत ने मुझे यह कहकर रोक लिया कि प्लीज मेरी जान बचा लो। मैं डरी सहमी सी हुई थी मगर फिर खुदा ने मुझे हौसला दिया और मैंने उस औरत को रस्सियों से आजाद किया। रस्सियों से आजाद होकर उस औरत ने लंबी सांस भरी और मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी कि मैं मरियम हूँ और फिर वो मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। मैंने उसे बताया कि मैं डॉक्टर की बीवी हूँ और अपने पति का पीछा करके यहाँ पहुँची हूँ। मेरी ये बात सुनकर उसने मुझे हैरत कर देने वाली बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हारा पति डॉक्टर नहीं है। यह बात मेरी रूह कपाती थी। मैंने गुस्से से उससे कहा कि तुम कैसी बात कर रही हो। फिर उसने मुझे जो बात बताई वो मुझे अंदर तक झकझोर कर रख गई थी। उसने मुझे बताया कि मेरा पति एक डाकू गैंग का सरदार है। उनका 5 लोगों का एक ग्रुप है। वो सब लोग चोरी करते हैं और लूट का पैसा जमा करते हैं और सिर्फ यही नहीं वो यह सारा पैसा दूसरे शहरों में पहुँचाते हैं। यह सब सुनकर हैरान रह गई और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा पति तो डॉक्टर है और मैं यह जानती हूँ। वो कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती क्योंकि मैं भी इसी गैंग का हिस्सा हूँ। ये बात सुनकर मैं कपकपा गई। मैंने उससे कहा कि अगर तुम इस गैंग का हिस्सा हो तुम्हें बांध कर क्यों रखा गया था और तुम्हें मार क्यों रहे थे ये लोग। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी कि पहले इत्मीनान से मेरी पूरी बात सुनो। फिर वो मुझे सारी बात सुनाने लगी। उसने बताया कि हम सब डाकू हैं, वो लूटमार करते हैं। हम ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि जेवरात भी बड़े शहरों में जाकर बेचते हैं और इस सब से हम बहुत पैसा कमाते हैं। पुलिस को हम पर शक ना हो इसलिए हम सब ने अलग अलग भेष अपनाए हुए हैं। मैंने एक नर्स का भेष बदला था और क्लिनिक के लिए किसी डॉक्टर का होना बहुत जरूरी था और तुम्हारे पति को ही नकली डॉक्टर बनाना पड़ा। ये सब हम इसलिए करते थे कि ताकि पुलिस को कोई शक भी ना हो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन तुम हमारी जिंदगी में आ गई। उस रोज शायद तुम किसी शॉपिंग मॉल में थी जब हम वहां चोरी कर रहे थे। तभी अफजल यानी तुम्हारे पति की नजर तुम पर पड़ी। वो पहली ही नजर में तुम पर अपना दिल हार बैठा। उस दिन ही उसने फैसला कर लिया था कि तुमसे शादी करेगा। एक रिश्ते कराने वाले के जरिए तुम्हारे घर का रिश्ता भी भेजा मगर तुम्हारे घर वालों ने लड़के के माँ बाप से मिलने को कहा लेकिन अफजल का तो थे नहीं। फिर हमने एक तरकीब बनाया। मैं अफजल की बहन बनकर तुम्हारे घर आई और यह रिश्ता हो गया और शादी भी। शादी के बाद अफजल का रात को चोरी के लिए हम सबके साथ जाना बहुत कम होता चला जा रहा था और हमें इसका बेहद नुकसान हो रहा था क्योंकि अफजल हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और हम सब बहुत परेशान थे कि अपने नुकसान को कैसे पूरा करेंगे। फिर हम सब ने एक तरकीब सोची। अफजल ने डॉक्टर से बात किया
और तुम्हें एक ऐसी दवाई खाने में मिलाकर देना शुरू करती जिससे रात होते ही तुम्हें थकावट हो जाया करती। फिर तुम्हें थकावट हो गई तो अफजन ने अपना मंसूबा अपनाया और वो नींद का इंजेक्शन थकावट की दवाई कहकर रोज रात को तुम्हें देना शुरू कर दिया। तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, तुमसे मोहब्बत करता था, इसलिए वो चुपके रात को चोरी करता था। वो तुम्हें नींद के इंजेक्शन से सुला देता और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देता कि तुम्हारा पति रात को कहीं गया भी था या नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। फिर उसने हैरत से मुझे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई, तो मैंने कहा कि पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ इस हाल में क्यों थी। अगर तुम उनके साथ थी तो वो कहने लगी थी, उस दिन हमारा झगड़ा हो गया था, मैंने इस गैंग को छोड़ दिया था, मैं इस पैसे से उकता गई थी और बेहतर जिंदगी गुजारना चाहती थी, मैं एक आलिम से मोहब्बत करती हूँ, मगर मेरे साथियों ने यहाँ बंद कर दिया और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कहकर वो रोने लगी थी। मैं काफ़ी हैरान थी। उसने बताया कि ये लोग उसे रोज मारते थे और गैंग में वापस आने का कहते थे, मगर मैं उनकी बात नहीं मानती थी। उस लड़की की सारी बात सुनकर मैं बहुत हैरान थी। मैं अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी, मगर मैं लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकती थी। अगले रोज मैं और मरियम पुलिस स्टेशन गए और हमने सारी बात पुलिस को बताई और रात को पुलिस ने हमारे घर के तहखाने पर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। मेरा पति और उसके साथी वहाँ अड्डे पर मरियम को ना पाकर परेशान हो गए थे और इसलिए उन्होंने वहाँ से भागने का फैसला कर लिया, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहाँ पहुँच गई थी और इससे पहले कि वो भागते उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने नम आँखों से अपने पति को देखा और कहा कि क्या फ़ायदा है ऐसी मोहब्बत का जो धोखे से हासिल की गई हो। अब इस बात को 7 साल गुजर चुके हैं, मरियम अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी है, मेरा पति आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ इसलिए उससे तलाक नहीं लिया, मैं उसका इंतज़ार करती रही थी। अदालत कुछ माह बाद मेरे पति को छोड़ देगी और फिर मैं अपने पति के साथ अपनी असली ज़िंदगी गुजारूंगी। मेरे पति ने मुझसे वादा किया है कि वो अब चोरी छोड़ देगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों